क्या आप भी पर डे की ढेर सारी लीड जनरेट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे? डोंट पैनिक गाइस, आकांक्षा दिस साइड एंड आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पर डे की आप अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो। राइट, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना, आपको पूरी चीजें डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि लीड जनरेट कहाँ से करना है, कहाँ से आप क्वालिटी लीड उठा सकते हो, सब कुछ बताऊंगी। राइट, जैसे कि आपको पता है लीड जनरेट करने की सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक से अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से आप इनऑर्गेनिक से अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। अभी देखो बात करते हैं कि किस तरीके से अपन ऑर्गेनिक अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक बाद में आता है, पहले टॉपिक आता है ऑर्गेनिक किस तरीके से अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी लीड अपने व्हाट्सएप पे लाके अपन क्लोज कर सकते हैं। सारा डाटा मैं भी आपको बताऊंगी। राइट, देखो मैं आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है ना वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपको पता नहीं है व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द एक्चुअल पावर ऑफ इंस्टाग्राम। अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स है ना वो एक्टिव है अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम से आप ऑर्गेनिक कितना अच्छा लीड जनरेट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन देख पा रहे हो, लाइव स्क्रीन देख पा रहे हो। राइट, जिससे मैं काफी लोगों को देखती हूँ वो डीएम मार्केटिंग करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, जैसे 10, 20, 30 लोगों को डीएम्स करते हैं एंड फिर काफी लोग बोलते हैं 5 to 1 1, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 to 1 1 फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे 5 like 2 comments 1 share ऐसा करके कुछ ये फॉर्मूला है ये यूज करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इस फॉर्मूले से रिजल्ट नहीं आता, इस फॉर्मूले से रिजल्ट आता, बट अगर आप चाहते हो आपको अप लेवल का रिजल्ट मिले, बट इससे भी बढ़िया ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिसका यूज करके आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छा लीड मिले तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है ब्रांडिंग वैल्यू। आप अपना ब्रांडिंग वैल्यू सोशल मीडिया पे क्रिएट करो, लोग खुद आपके पास आएंगे और कनेक्ट होंगे और आपको आपकी बिजनेस की प्रोसेस पूछेंगे कि आपकी बिजनेस की प्रोसेस क्या है, आप हमें भी बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता, अभी सिर्फ आपको आपका फ्रेंड सर्कल सोसाइटी सिर्फ यही जानते हैं, बाहर वाले लोग जानते ही नहीं है। तो बाहर वाले लोग जब तक आपके आपको जानेंगे नहीं तो वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एक आप उनके लिए एक अननोन पर्सन हो। इंडिया में काफी ज्यादा स्कैम भी चल रहा है, उनके साथ स्कैम भी हो सकता है, समझना जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार्स आप देखते होंगे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सलमान खान का एग्जाम्पल ले लो, बस उनका अच्छा खासा फेस वैल्यू क्रिएट है, उनका अच्छा खासा ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट हो रखा है। वो जिस भी फील्ड में अगर अभी न्यू स्टार्टअप करें, डेफिनेटली जैसे वो स्टार्टअप करते हैं उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी है, बट जिस फील्ड में करें उसमें भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? एक ही चीज़ है, वो है उनका फेस वैल्यू, जो उन्होंने फेस वैल्यू क्रिएट कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो उसके लिए अभी से स्टार्टअप कर दो अपना फेस वैल्यू क्रिएट करना सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट रिच हो गया ना आपको बहुत सारी लीड्स मिल सकती है, बहुत सारी लीड्स। तो ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करो, डीएम मार्केटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी करो, इनसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इनसे भी रिजल्ट मिलता है, बट एक लेवल तक आपको रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप काम करो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट जैसे आप थोड़ा सा डीएम मार्केटिंग वगैरह नहीं करोगे, लोगों को डीएम नहीं करोगे, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलना कम हो जाएगा। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप डीएम मार्केटिंग मत करो, डीएम मार्केटिंग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट उससे भी मिलता है, बट उसके साथ साथ अपने ब्रांडिंग वैल्यू को भी मेंटेन करके चलो। अगर आप यहाँ इस चीज़ में ग्रो हो रहे हो तो इस चीज़ में भी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्रांडिंग वैल्यू होना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आप मेरा इंस्टा अकाउंट यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको एक बार ठीक से विजिट करो, एक बार ठीक से विजिट करो। देखो मैं स्क्रॉलिंग करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे अच्छे खासे 4000 के आसपास मेरे भी फॉलोअर्स हो चुके हैं। राइट, अगर मैं किसी को डीएम भी करती हूँ ना तो कोई भी मेरा रिप्लाई करने से पहले एक बार मेरा प्रोफाइल जाके विजिट जरूर करेगा कि ये लड़की ने मुझे मैसेज करा है, क्या है इसका अकाउंट चेक करती हूँ कि किस टाइप की लड़की है, क्या मेरे साथ स्कैम वगैरह तो नहीं कर देगी ना, क्योंकि लड़की चला के डीएम कर रही है। तो कोई जिसको भी मैं मैसेज करूँगी, डीएम करूँगी, वो एक बार मेरा प्रोफाइल विजिट जरूर करेगा। राइट, तो अगर मेरे अकाउंट में क्वालिटी रहेगी, यही होता है ब्रांडिंग। मेरी धीरे धीरे मैं अपने सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ। ब्रांडिंग वैल्यू काफ़ी सारी चीज़ों से आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, आप क्या लोगों को बताना चाहते हो वो प्रोवाइड करवाओ, आपका इंस्टाग्राम का पेज का पर्पज क्या है, आप लोगों को कौन सी वैल्यू, आप लोगों को कौन सी चीज़, कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो,
वो सारा डाटा आप इंस्टाग्राम पे डालो, जिससे क्या ऑटोमेटिकली आपका आपकी लीड के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है, एक होता है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये सारी चीजें आप करोगे ना ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होना स्टार्ट होगी। तो अभी आप मेरा देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम देख पा रहे होंगे, अच्छे खासे मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं नीचे स्क्रॉलिंग करके आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जिसमें लोग देखेंगे कि हाँ ये लड़की अर्निंग भी कर रही है और साथ साथ में कुछ चीज कुछ वैल्यू अपन को प्रोवाइड भी करवा रही है और सच में लड़की लीगल है, इनके साथ अपन वर्क कर सकते हैं। तो बड़ी अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड आए और अगर आप किसी को भी डीएम करो तुरंत आपका रिप्लाई करे, तो उसके लिए अभी से स्टार्टअप करो अपना ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करना, राइट। अपने पेज को, अपने इंस्टाग्राम पेज को इस तरीके से बिल्ड कर लो जिससे कोई भी यूजर अगर आपका अकाउंट एक बार विजिट करे तो आपको आपके वर्क के लिए जरूर पूछे। सो गाइस, ब्रांडिंग वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े यूजर्स आप देखते हो ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, टाइम पास के लिए रील्स वगैरह कंटेंट वगैरह नहीं डालते, ये अपने नेटवर्क के लिए कंटेंट डालते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका नेटवर्क बन जाता है ना, बड़ा नेटवर्क बन जाता है, लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट आपकी ऑडियंस के साथ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो लीड जनरेट करने के लिए अभी आप बिगनर हो, आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं, तो मैं आपको अभी से बोलूंगी डीएम मार्केटिंग करो। लीड जनरेट करने के काफी ऑप्शन है, बट उसके साथ साथ है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्ड करना भी साथ में स्टार्ट करो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ये करती थी, मैंने सोशल मीडिया की पावर नहीं समझी थी, मैं डायरेक्ट सारे दिन लोगों को डीएम करती रहती थी, प्लान समझाती रहती थी, बट एक्चुअली मैं देखती थी मेरे से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बहुत अच्छा पैसा निकाल रहे हैं। फिर मैं सोचती थी यार वो कैसे कर पा रहे, तू कैसे नहीं कर पा रही। फिर एक बार मैंने क्या किया, एज ए लीड बन के सोचा, एज ए लीडर नहीं, एज ए एफिलिएट बन के नहीं, एज ए लीड बन के सोचा। मैंने सोचा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू हूँ और मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर मैंने क्या किया टॉप अर्नर की जो भी प्रोफाइल्स वगैरह है मैंने उनकी जाके विजिट करी, तो सच में उनकी प्रोफाइल में मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिली। मेरा मन करा कि हाँ ये लड़का, सामने वाला जो लड़का या लड़की है, ये सच में कुछ ना कुछ तो करता है, अपन को इनकी वर्क की प्रोसेस पूछनी चाहिए। मेरा खुद का मन करा जब मैंने एज ए लीड बन के सोचा, राइट। आपको साथ ही साथ में तीन चीजें मेंटेन करके चलनी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाओ, लोगों को आपके पेज के थ्रू लर्निंग मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए, लर्निंग मिलनी चाहिए। एंड थर्ड, आप अपनी लाइफ स्टाइल शो करो आप अपने पेज में, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये लड़का कमा रहा है, लड़की कमा रही है, ये इतना पैसा कमा रही है, बट इतने पैसों को ये कर क्या रही है। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल भी वहाँ पे मेंटेन करके चलो, ठीक है, जिससे क्या लोगों का रिलेशन आपके साथ बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, एंड डेफिनेटली दे विल कनेक्ट विद यू। है इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सोशल मीडिया पे किस तरीके से ऑडियंस टारगेट करनी है। आज वाला तो यही था कि ऑडियंस अपन को लानी कैसे, किस तरीके से अपन ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस लेके आ सकते हैं, क्योंकि डीएम मार्केटिंग ये सब करते हैं ना, तो इसमें आपको पर डे की 10 20 30 40 लीड्स मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे को पर डे की 500 1000 लीड्स मिलती है ना, तो उसके लिए मैंने आपको ये चीजें बताई है, इसको आप इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स फ्रॉम माय ट्रिक्स दैट आई एम यूजिंग। डेफिनेटली आप यहाँ से रिजल्ट जनरेट करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको काफी लोगों, और देखो फिर मैं आपको बताती हूँ, काफी लोग है ना इनऑर्गेनिक भी लीड जनरेट करते हैं। आज मैं आपको कुछ जैसे लीड, और काफी लोग क्या करते हैं इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। और इनऑर्गेनिक में कैसे, जैसे एड्स रन करवा लेते हैं, पैड प्रमोशन करवा लेते हैं, इनके थ्रू भी काफी अच्छी लीड जनरेट की जा सकती है। बट मैं आपको एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पोस्ट या फिर किसी रील पे, ठीक है, एड चलवाया, 500 रुपीज दिए, अपने आपने ऐड चलवाया, प्रैक्टिकली मेरी चीज समझना, ठीक है, और आपको अच्छी खासी लीड्स भी वहां पे मिल गई, आपने चलो वो लीड्स आपने ले ली इंस्टाग्राम पे, वो ऐड आपने इंस्टाग्राम पे चलाया और आपकी वो लीड इंस्टाग्राम पे आ गई। जैसी लीड आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगी ना, मैसेज करने के बाद में वो डेफिनेटली एक बार आपका प्रोफाइल जाके जरूर विजिट करेगी, एक बार आपका प्रोफाइल जाके जरूर विजिट करेगी। अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ क्वालिटी नहीं होगी ना, तो आपकी व्हाट्सएप तक आएगी नहीं, और अगर WhatsApp तक आ भी गई ना, तो उसको क्लोज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। अगर आप ऑर्गेनिक चाहो ना या इनऑर्गेनिक चाहो, दोनों के लिए ब्रांडिंग तो होना जरूरी है। अभी से ट्राई करो अपना ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करना, ब्रांडिंग वैल्यू होएगा ऑटोमेटिकली ऑडियंस आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से ऑडियंस आते हैं। जब मैंने स्टार्टअप करा था ना, मेरे पास ऑडियंस नहीं आती थी, मैं डीएम्स मार्केटिंग करती थी, बट मैंने एक चीज समझ ली थी कि ब्रांडिंग वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनका देखती थी, तो मैं देखती थी उनके पास एक ना ऑडियंस है। सो दैट्स व्हाई न्यू पर्सन अगर आ जाता ना, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है।
अभी देखो इस वीडियो में आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप अपने ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करके अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हो, राइट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।